हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? फिजिक्स गॉड चैनल की तरफ से आप लोगों को वार्म वार्म वेलकम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड जो कोई भी मेरे को देख रहा है उन सबको मेरा नमस्ते। आज हम लोग फिजिक्स गॉड चैनल की तरफ से सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन का हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द अपकमिंग लेक्चर्स। लाइक आगे आप पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। ओके, सो देर आर वेरियस टॉपिक्स विच आर लेफ्ट टू बी कवर्ड एंड इन दोज टॉपिक्स सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, दीज थ्री टॉपिक्स, और वी कैन से डेट दीज आर द बैकबोन ऑफ दोज चैप्टर्स। क्लियर दोज अपकमिंग टॉपिक्स। तो सेंटर ऑफ मास को क्लियर करना बेहद जरूरी है क्योंकि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोग पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर, आप आईआईटी जेई की जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे, यू विल नोटिस दैट आईआईटी जेई और जेई मेंस करते क्या है, बेसिकली दे मिक्स अप द टॉपिक। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास को रोटेशनल मोशन से मिक्स करा, एक क्वेश्चन बना दिया, क्लियर। तो इसी तरह हम लोगों को क्या करते हैं, we need to understand each and every topic in detail. Center of mass, linear momentum, collision, हमको इसको अच्छे से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले competitive exam में क्या करते हैं वो लोग, कई सारे topics को मिला के एक question बना देते हैं। तो अगर किसी ने center of mass ढंग से नहीं समझा तो वो बच्चा rotation motion को नहीं कर पाएगा, clear? So it is very very important because rotation motion आप parallel axis theorem पढ़ोगे, perpendicular axis theorem पढ़ोगे, तो वहां भी हम लोग यूज करते हैं ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो देयर आल्सो यू विल फाइंड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्यों ना अभी इसको क्लियर करा जाए, क्लियर। तो आगे आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इजी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और रोटेशनल मोशन अगर आपको अच्छे समझना है तो यू नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास, क्लियर। सो टुडे वी विल स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंटर ऑफ मास, तो लास्ट तक बने रहिए और इसको अच्छे समझिए, क्लियर। सो वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होता क्या है, पहले तो ये समझ लो कि सेंटर ऑफ मास का मीनिंग क्या है, आगे पढ़ने से क्या फायदा, पहले हमको ये समझ में आ जाए सेंटर ऑफ मास क्या होता है। बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा सेंटर ऑफ मास मीन्स मास का सेंटर, आप ये बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। देखो आप लोगों ने कभी एक चीज देखी होगी, यू नीड टू नोटिस वन थिंग। मान लीजिए डस्टर है, लेट अस सपोज दिस इज डस्टर, इस डस्टर को मैं कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट स्पिनिंग दिस डस्टर इन वर्टिकल डायरेक्शन। व्हाट आई एम डूइंग जस्ट सी, आई एम स्पिनिंग दिस डस्टर इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखिए आप लोग एक चीज देख रहे, नोटिस कर रहे होंगे कि डस्टर क्या है, एक मैटर है, क्लियर, और इस मैटर में क्या है, कई सारे पार्टिकल्स है, क्लियर, दे आर इनफाइनाइट, वी कंसीडर्ड, वी विल से इनफाइनाइट वर्ड बिकॉज़ वी आर अनेबल टू कैलकुलेट, इतने ज्यादा पार्टिकल्स है, उन सब से मिलके क्या बना है, डस्टर बना है। जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, देखो व्हेन आई एम स्पिनिंग दिस डस्टर, देन व्हाट हैपेंड, ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट मूव इन द सेम पाथ, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो आप लोग नोटिस करेंगे कि हमारे जितने पार्टिकल्स हैं, दे आर नॉट मूविंग इन अ यूनिफॉर्म पाथ, दे आर मूविंग ऑन अ कॉम्प्लिकेटेड पाथ, मींस यू कैन नोटिस दैट दीज मोशन ऑफ दीज पार्टिकल्स यू कांट डिस्क्राइब। आप लोग देखिए स्पिनिंग कर रहा हूं, तो ये जितने पार्टिकल्स हैं इसके आसपास जिसे मैटर बना है, वो पार्टिकल्स कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, सो दे आर नॉट मूविंग इन अ यूनिफॉर्म पाथ। बट यू नोटिस वन थिंग कि जब मैं इसको ऊपर की तरफ मोशन कर रहा हूं, तो बीच का जो सेंटर वाला पाथ है, यानी सेंटर वाले जो है, सेंटर की चीज जो है, वो हमेशा कहां जा रही है, स्ट्रेट लाइन में, कहां जा रही है, स्ट्रेट लाइन में। देखो आप ये मूव कर रहा हूं, देखो ध्यान से कर रहा हूं, तो ये जो बीच का जो सेंटर वाला चीज है वो उसमें उसके मोशन में कोई भी चेंज नहीं है, यानी सेंटर वाली चीज अभी भी क्या है, वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, उसका पाथ यूनिफॉर्म है, क्लियर।
अगर किसी डस्टर को किसी बॉल को आप थ्रो करते हैं, यू आर थ्रोइंग सम बॉल, मान लीजिए दो लोग हैं, देर आर टू पर्सन, ये दो लोग खड़े हैं, क्लियर। मान लीजिए एक बंदा बॉल को थ्रो करता है सेकेंड पर्सन को, तो आप लोग नोटिस करोगे बॉल स्पिन करते हुए कैसे जाती है, रैंडम मोशन करती है, तब जाके दूसरे पार्टिकल, दूसरे जो पर्सन है जो कैच ले रहा है उसके पास जाती है। तो ये बॉल की जो पार्टिकल्स है, बॉल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, तो बॉल की जो सरफेस में जो पार्टिकल्स है उनका मोशन क्या होता है, बॉल हेफाजर्ड होता है, मीन्स यू कांट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो जब हम बॉल को, मान लीजिए एक इंसान है, ये दो पर्सन है, पर्सन ए, लेट अस सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये मेरी क्या है, बॉल, ये बॉल है जो थ्रो करके कहां गई, ऐसे गई, इस पर्सन ने, पर्सन ए ने बॉल को थ्रो किया, पर्सन ए थ्रो अ बॉल दैट रीचेस टू द पर्सन बी, क्लियर। नाउ यू विल नोटिस दैट दिस बॉल, बॉल है, बॉल के सरफेस देखा होगा आपने, बॉल है, बॉल के सरफेस पे कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बॉल किससे मिलकर बनी है, कई सारे पार्टिकल्स के। जब ये बॉल स्पिन करेगी, व्हेन अ बॉल स्पिन देन व्हाट हैपन, यू नोटिस दैट इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कोई पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा है, मतलब कोई पार्टिकल एक यूनिफॉर्म पाथ पर मूव नहीं कर रहा। लेकिन आप लोग नोटिस करोगे कि ये बॉल स्टिल, सिंस द पार्टिकल मोशन इज नॉट सिंपल और यूनिफॉर्म, बट स्टिल द मोशन इज इन पैराबोलिक पाथ, आप देख लो पैराबोलिक पाथ में हो रहा है, भले पार्टिकल्स कैसे भी मूव कर रहे होंगे, इस बॉल की जो सरफेस के पार्टिकल या फिर जहां भी पार्टिकल्स हैं, जिसके इसके सारे के सारे पार्टिकल्स क्या है, इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन बॉल आज भी क्या है, पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रही है, देख रहे हो। यानी कि ये जो बॉल का अगर मैं सेंटर लूं, यहां बॉल आ गई, फिर बॉल यहां आएगी, फिर बॉल यहां आएगी, फिर बॉल यहां आएगी, तो बॉल का आप देखेंगे सेंटर कैसा पाथ ट्रेवल कर रहा है, पैराबोलिक पाथ, बॉल का जो सेंटर है वो कैसा पाथ ट्रेवल कर रहा है, पैराबोलिक पाथ, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, क्लियर। तो यू कैन ट्रीट दैट पॉइंट टू बी अ सिंगल पार्टिकल, क्लियर। ये जो पॉइंट है उसके मोशन में देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा, सारे के सारे पार्टिकल्स अलग अलग पाथ पे मूव कर रहे हैं, उनका मोशन आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसे मूव कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ किसका मोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके सेंटर का। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉल यहाँ से यहाँ गई तो इसका सेंटर ये रहा, ये यहाँ गई तो इसका सेंटर ये रहा, यानी ये बॉल ऐसे जा रही है, पैराबोलिक पाथ में जा रही है, क्लियर, समझ आ गया। सो ऑल द पॉइंट्स ऑफ बॉल डू नॉट गो इन पैराबोलिक पाथ, क्लियर, इफ द बॉल इज स्पिनिंग, समझ आ गया। द पाथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज यू कांट डिस्क्राइब द पाथ ऑफ ईच एंड एवरी particles, but the center of the ball always goes in a parabolic path. ये आपको दिख रहा है center of the ball always goes in a parabolic path, irrespective of the ball is thrown. Clear? आप इस ball को ऐसे throw करो या फिर ऐसे throw करो, हमेशा कैसा होगा, एक parabolic path. कैसा रहेगा? Parabolic path. Clear? So irrespective of how the ball is thrown, in fact, clear? So this effect, clear? We will understand in detail this topic in this chapter. So आप लोग देख रहे हैं, so इसी center को, ये जो center है ना, this center is not deviating, clear? यहाँ कोई external force, air friction नहीं है, clear? एक चीज बता दूँ यहाँ आपको, there is no air friction present. That's why I'm saying that the center of the ball moves in a parabolic path. Its path is, we can describe it is moving in a uniform parabolic path. But the particles of the ball moves in a complicated path. We can't describe. But the center, still the center moves in a uniform circular path. आप ऐसे फेंकिए, ऐसे फेंकिए, different different angle project करिए, still you will notice that ball moves in a parabolic path, clear?
and you will notice that center moves in a parabolic path. It means center is a very very special point. Clear? And that special point is known as center of mass. Clear? So you can note down, being a spinner, his finger turn while turning the ball and the ball goes up spinning rapidly. All the points do not go in a parabolic path. Please stop. If the ball is spinning, the path of most of the particles are complicated. Please stop. But the center of the ball always go in a parabolic. Clear? Irrespective of how the ball is thrown. Clear? Whether you throw a ball in this manner, ball center always goes in a parabolic path. It means what? आपने डस्टर को ऐसे वर्टिकली मोशन में किया, ठीक है? तो डस्टर का जो सेंटर है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन क्रिएट करेगा. बट रिमेंबर, देयर शुड बी नो एयर फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. फ्रिक्शन होगा तो सेंटर कुछ ना कुछ डेविएट होगा. देयर इज सम डेविएशन. वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन द लेटर चैप्टर. और आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, जो जितने बॉलर्स होते हैं, स्पिनर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब बॉल को थ्रो करते हैं, बेसिकली दे आर थ्रोइंग अ बॉल इन दैट डायरेक्शन. तो आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग जब बॉल को थ्रो करते हैं, बॉल कैसे जाती है? ऐसे जाती है. क्लियर? इट इज मूविंग इन द पैराबोलिक पाथ. बट व्हाट हैपेंड ड्यू टू बॉल का नेचर क्या था? देखिए, बॉल जो स्पिनर ने थ्रो करी, व्हेन अ स्पिनर थ्रो अ बॉल देन बॉल मूव्स इन अ पैराबोलिक पाथ, ऐसे जाना चाहिए. बट I told you this motion is only center always moves in a parabolic path only when there is no air friction. But आप लोगों ने देखा होगा, जब क्रिकेट मैच होता है, there is air flow हो रही है. It means there is air friction तो होगा. Because of this air friction, the center, ये जो center दिख रहा है ना आपको, the center of the path, ये जो पाथ दिख रहा है ना आपको पैराबोलिक, ये हल्का सा डेविएट हो जाता है. यानी सेंटर डू नॉट मूव परफेक्टली इन अ पैराबोलिक पाथ बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन. देयर इज सम डेविएशन, लिटिल बिट डेविएशन हैपेंस एंड द बॉलर यूज दिस डेविएशन इन स्पिनिंग द बॉल. इस डेविएशन का ही तो यूज करता है बॉलर इन स्पिनिंग द बॉल. सो रिमेंबर, सेंटर इज अ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट. क्लियर? This center is known as center of mass. Clear? आप खुद सोचो, जरा इमेजिन करो कि सारे के सारे पार्टिकल्स इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, लेकिन एक सेंटर पे है पार्टिकल जो इधर उधर नहीं भाग रहा. वो कहाँ जा रहा है? इट इज बिहेविंग लाइक अ सिंगल पार्टिकल एंड इट इज मूविंग इन अ पैराबोलिक पाथ. इट मीन्स वॉट? वी कैन कंसिडर अ बिग बॉडी. We can consider a big body to be a center. एक बड़ी सी बॉडी का सारा मास कहां पर होगा? सेंटर में. एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं. जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, इस डस्टर पे आपने यू आर अप्लाइंग टू फोर्सेस ऑन डस्टर इन दिस मैनर. तो ये डस्टर कहां जाएगा? ऐसे मूव करेगा. क्लियर? डस्टर मूव कैसे करेगा? ऐसे मूव करेगा. समझ आ गया? वही आपका एक और फ्रेंड है, उसने क्या किया, इसके सेंटर पे फोर्स लगाया, तब भी ये क्या करेगा? डस्टर ऐसे मूव करेगा, सेम मैनर, सेम एक्सेलरेशन, सेम डायरेक्शन. ऐसा क्या हो रहा है? आपने मान लीजिए एक नहीं, आपने कई सारे फोर्स लगा दिए. यू आर अप्लाइंग सो मेनी फोर्सेस ऑन डस्टर. क्लियर? आपने डस्टर पे कई सारे फोर्सेस लगा दिए हर एक पॉइंट पर. डस्टर मूव्स इन दिस डायरेक्शन, लेकिन आपने इन सारे फोर्सेस को हटा दिया, एक सिंगल फोर्स लगाया सेंटर ऑफ मास पे, मतलब सेंटर पे. क्लियर? स्टिल डस्टर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सेम पाथ, सेम एक्सेलरेशन, सेम फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन द सेंटर. स्टिल डस्टर फॉलो द सेम मोशन. तो इसका मतलब क्या है कि आप
व्हाट डज इट इंडिकेट, आप पूरी बॉडी पर फोर्स लगाइए या एक सिंगल पॉइंट पर फोर्स लगाइए, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास, इट मूव्स इन द सिमिलर वे. क्लियर? इट मींस व्हाट, द होल मास इज कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन. बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ अपॉन एम. इफ यू आर अप्लाइंग एफ टू बी सेम विच इज अ सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, देन मास, सिंस वी आर कंसिडरिंग एक्सेलरेशन टू बी द सेम, क्लियर, देन होल मास, इट मींस होल मास इज कंसंट्रेट अ सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. बेसिकली दैट पॉइंट इज एन इमेजिनरी पॉइंट विच आई विल टेल यू इन द अपकमिंग लेक्चर हाउ टू कैलकुलेट द दिस पॉइंट. इस पॉइंट को ही कैलकुलेट करना सीखना है. वी विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्लियर? सो यू कैन नोट डाउन इफ यू वॉन्ट टू नोट. इफ समथिंग इज लेफ्ट यू कैन नोट डाउन, आई कैन रफ. ओके, सो यू कैन राइट डाउन, आई विल रफ. सो हम लोगों ने व्हाट इज सेंटर ऑफ मास पढ़ा. सो बेसिकली सेंटर ऑफ मास, यू कैन राइट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास. यू कैन राइट डाउन द सेंटर ऑफ मास, the center of mass, the center of mass is a very special point, is a very special point the center of mass is a very very special point which is called, sorry, the center of the ball, the center of the ball is a very special point, is a very special point which is called the, which is called the center of mass, which is called the center of center of mass. Clear? its motion is just like the motion of, just like the motion of single particle thrown. अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूं एग्जाम्पल देके ये क्या लिखा है. पूरा बॉल का तो आपको समझ आ गया. आई विल रफ. ये हम लोगों ने पढ़ा था, दिस इज अ बॉल, इफ अ, दिस इज अ पर्सन ए. क्लियर? दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी. इस पर्सन ने क्या करा, इस बॉल को थ्रो किया, तो बॉल कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, पैराबोलिक पाथ. नाउ यू विल अंडरस्टैंड बॉल, लेट अस सपोज एट टी इज इक्वल टू जीरो, बॉल यहां पर है आपका. आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम बॉल मूव्स टू दिस पोजिशन, इट मूव्स टू दिस पोजिशन एंड देन फाइनली सेकेंड पर्सन कैच इट. क्लियर? यहां से आप लोग एक ही चीज नोटिस कर रहे होंगे. यू आर नोटिसिंग वन थिंग, सेंटर, दिस इज सेंटर, दिस सेंटर, दिस इज सेंटर. ऑल द पार्टिकल्स, आप लोग देखो बॉल कैसे जाएगी, ऐसे घूमेगी, रोटेट करेगी, ऐसे करके स्पिनिंग कर रही है. क्लियर? बट यू विल नोटिस वन थिंग, दिस सेंटर इज नॉट रोटेटिंग, दिस इज फिक्स एंड दिस इज मूविंग इन द वॉट, this is moving in the parabolic path. parabolic path, ये center क्या है,
पैराबोलिक पाथ मूव कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट व्हिच इज नॉट अफेक्टिंग क्लियर इट्स पाथ यू कैन डिस्क्राइब एंड इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। क्लियर? नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, दिस इज अ रॉड, दिस इज अ रॉड। अभी आपको और चीज क्लियर होगा। लेट अस सपोज दिस रॉड वी आर अप्लाइंग इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन द रॉड। आपने क्या करा, इंडिविजुअल फोर्सेस लगाए, यू आर अप्लाइंग इंडिविजुअल फोर्स, लेट अस सपोज F1, F2, F3, क्लियर, F4। सो यू आर अप्लाइंग इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन दिस रॉड, क्लियर। एंड नाउ आई एम शोइंग वंस अगेन, this is the same rod, clear. Now you are applying the summation of these forces at a single point, at a single point you are applying, let us suppose this is F net, you are applying individual forces at different points of the rod, clear. Rod having a mass M, let us suppose I am assuming that mass is capital M, total mass, which is sum of all the particles mass, clear. Now you can realize that this rod is acting by different individual forces. Now I am applying the same force at a single point. Now you will notice that this block, or we can say that this rod moves at a acceleration A. How will you calculate this acceleration? Acceleration is equal to net sum of forces, sum of all the forces divided by total mass. ये तो calculate करोगे आप लोग। Now you will notice that this mass is a what? I am showing here. You are applying here and you are calculating the total mass because this is our system. हमारा सिस्टम मैंने आपको बताया था, मास किसका लेते हैं, सिस्टम का। एक्सेलरेशन किसका होगा, सिस्टम का। सो दिस इज माय सिस्टम, ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है। नाउ यू आर कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, क्लियर, इट इज क्लियर। नाउ यू विल नोटिस दैट आई एम अप्लाइंग द सेम फोर्स ऑन दिस रॉड बट एट अ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट। दिस ब्लॉक, और वी कैन से दैट दिस रॉड moves with the same acceleration A. You can see how can, let us suppose I am not taking it to be same. What I am saying, let us suppose this is A dash. Now I will prove that this is same. This A vector is equal to summation of all the forces divided by M. Now this A bar, basically this is the F net divided by total mass, and total mass I am saying what, the whole mass is concentrated at a single point, that is a very very special point, and this is known as center of mass, clear. Now you will notice that I am saying whole mass, it means summation of all the individual masses, summation of mi, is I is equal to 1 to n. There are n particles of through which a body consists, means a body is made up of n number of particles, let a pass of mass of single particle is mi. So mass of overall body is, whole body is summation of all the masses, individual masses. So summation of all the masses. Now you will notice that F net, this is, you can write here and I am showing here, A dash, F net. F net basically what? This is summation of all the forces. Summation of all the forces divided by this is what, total M. So you can notice that this acceleration is equal to this acceleration. So why are we applying all the forces at different points? Hum log kyun apply kar rahe hain, why are we applying different points over the rod? Now you can understand that aap puri ki puri rod pe alag alag maan lijiye ki different person hai, these are the, आप लोगों ने कहा चार लोग आए और इस रॉड पे धक्का मारने लगे,
कोई ऊपर से धक्का मार रहा है, कोई मिडिल से मार रहा है, कोई बॉटम से मार रहा है, यानी दे आर अप्लाइंग अ फोर्स। क्लियर? नाउ यू कैन नोटिस दैट इतने लोग आए धक्का मारे, वहीं एक इंसान आया जिसने क्या दिमाग लगाया और दैट पर्सन अप्लाई अ सिमिलर फोर्स एट द सेंटर। उसको पता चल गया, उसने कैलकुलेशन से पता कर लिया कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा, देन दैट पर्सन अप्लाई अ फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। क्लियर? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस ब्लॉक, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इस पर्सन ने सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, यानी कि इस पूरे की पूरी रॉड को हम क्या मान सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट, यानी कि एक सिंगल पार्टिकल मान सकते हैं हम इस पूरी की पूरी रॉड को, क्या मान सकते हैं, वी कैन कंसीडर इट टू बी अ सिंगल पार्टिकल, मान सकते हैं नहीं मान सकते, इसीलिए हम इतना फोर्स इधर उधर क्यों लगाए, हम तो एक सिंगल पार्टिकल पे लगाएंगे फोर्स। तो हमेशा याद रखना सेंटर ऑफ मास इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी बॉडी को क्या मान लेते हैं, एक सेंटर, एक पॉइंट पार्टिकल मान लेते हैं, यानी पॉइंट मास, यानी पॉइंट मास नहीं कह सकते, अभी कह सकते हैं कि सारा का सारा मास एक जगह कंसंट्रेट होता है। क्लियर? एंड दैट इज अ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। क्लियर? सो व्हाई आर वी फाइंडिंग सो मेनी फोर्सेस ऑन दैट, व्हाई डोंट वी कंसीडर दिस बॉडी टू अ सिंगल पार्टिकल, लगाइए न्यूटन्स के लॉ, यहाँ कितना आसान है, F is equal to ma, m इसका मास हो गया टोटल, एक्सेलरेशन कितना आसान हो गया देखिए हमारे लिए। तो कभी कभी आपने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, इतनी इनफाइनाइट बॉडीज होंगी, डर लगता है उनको देखने, भाई कैसे लगेगा न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन्स के लॉ तो सिंगल पार्टिकल लेवल बताए थे, लेकिन अब कैसे लगेंगे, कभी कभी सोचते हो। तो आप लोग हमेशा याद रखनी है कि सेंटर ऑफ मास हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, यानी कि हम लोगों का भी देखो अब ये ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक का भी सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, आप लोग देखिए ये कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, देखो हो गया बैलेंस, देखो ये अभी नहीं हो रहा, ये किसी पॉइंट पर जाके बैलेंस होगा, उस पॉइंट को तो निकालना सीखना आपको, जिस पॉइंट पर बैलेंस हो वहीं क्या करेंगे हम लोग, अपना वर्क करेंगे, इसकी बहुत एप्लीकेशन है, देखो हो गया बैलेंस, देख रहे हो आप लोग ये बैलेंस हो गया, यानी कि एक ऐसे पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया जहां क्या है हमारा बॉडी बैलेंस हो रहा है। क्लियर? तो बेसिकली बैलेंसिंग पॉइंट नहीं है, मत समझना, ये बेसिकली एक ऐसा स्पेशल पॉइंट है वेयर द होल मास इज कंसंट्रेटेड। अगर आप अलग अलग पार्ट पे फोर्स लगाएंगे इससे अच्छा तो क्या है एक सिंगल पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, यानी कि बेसिकली पॉइंट क्या है ये क्या है? अब इसके मान लीजिए हमको निकालना है, पॉइंट ही तो निकालना सीखना है, तो इसको हम सीखेंगे। क्लियर? वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट दिस पॉइंट एंड इन द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट दिस पॉइंट बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट स्पेशल पॉइंट, विदाउट नोइंग दैट स्पेशल पॉइंट यू कांट मूव फॉरवर्ड। So we will understand definition of center of mass in the next lecture. But before that, you must think, imagine, actually what is center of mass? जब तक किसी चीज को पढ़ने से पहले क्या है आपको सोचना चाहिए कि वो चीज होती क्या है। अगर आप उसको imagine ही नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे कर लेंगे हर चीज। अरे आपका क्या है प्लेट होती है, प्लेट का भी सेंटर ऑफ मास होता है। क्लियर? कोई सेमी सर्कुलर ऐसे दे दिया, एक वायर है सेमी सर्कुलर वायर, इसका भी सेंटर ऑफ मास होता है, हमारी बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास होता है। क्लियर? इवन आपका जो स्मार्टफोन होता है ना उसका भी एक सेंटर ऑफ मास होता है, ये जितनी भी क्या होती हैं जो डोर्स होती हैं इनका भी सेंटर ऑफ मास होता है बिकॉज ऑल आर मेड अप ऑफ व्हाट, दे ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और जहां पार्टिकल्स होंगे मास होगा, देयर विल बी अ सेंटर ऑफ मास। हमारी अर्थ का भी सेंटर ऑफ मास होता है। क्लियर? जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंस, आई विल टेल यू कि कहां ये लोग कभी कभी सेम हो जाते हैं कभी कभी डिफरेंस हो जाता है, आई विल टेल यू, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल, प्लीज नोट डाउन, इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्लीज नोट डाउन, नोट डाउन। इसके बाद हम लोग
maybe tomorrow we will understand in detail the how to calculate that point. क्योंकि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, जो पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया. Now we need to understand the mathematical ways to calculate this point. अब फिजिक्स का तो काम हो गया, फिजिक्स में तो बता दिया. अब यहाँ से स्टार्ट होती है मैथमेटिक्स. यानी मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ फिजिक्स. यानी कि मैथमेटिक्स क्या है कि अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे जानते हैं तो आप फिजिक्स आपका मतलब बहुत आसान है. फिजिक्स फिजिकल फिनोमेना. फिजिक्स अगर आप किसी चीज की जानते हैं ना तो आप मतलब फिजिक्स अगर आप जान गए तो जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मतलब आप हर चीज को पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. अपने आस पास की चीजें हमको इंटरलेट किया करें, मतलब जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक वट एवर वी आर सीइंग, वट एवर वी आर नोटिसिंग, वी मस्ट कोरिलेट इन आवर डे टू डे लाइफ. हम लोग अपनी लाइफ को ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं. वी डू नॉट सी हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे जो भी हम काम करते हैं हम क्यों करते हैं, ये इसमें ऐसा है तो ऐसा क्यों है. ऐसा मतलब क्वेश्चन आने चाहिए आप लोगों के माइंड में, तभी क्या होता है आपके अंदर एक जिज्ञासा आती है कुछ चीज को समझने के लिए. सो आप लोगों को अगर एक अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक एंड सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब. आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी आवाज, हमारी जो कंटेंट है, हमारे क्वालिटी कंटेंट, जो भी नीडी है, हेल्पलेस है, पुअर है, गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, जो जिनको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे, जिनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, उन तक ये एजुकेशन पहुंचे, मेरा बस यही है मुकाम कि कुछ मिल सके उन बच्चों को. क्योंकि जो मैंने फील किया, जो मैंने मतलब अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की चीज़ें और मैंने जो खुद सफ़र की, मैं नहीं चाहता कि दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो फेस दैट सिचुएशन, उन बच्चों को वैसी सिचुएशन ना देखनी पड़े जो मैंने देखी. सो मेरा भी एक दायित्व बनता है, मतलब मेरा भी एक मतलब ये कि मोटो है, मेरा भी कुछ एक फर्ज बनता है कि आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू माय सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी इज द बैकबोन ऑफ नेशन, क्लियर. एंड इफ नेशन ग्रो देन वी ऑल ग्रो. सो वी मस्ट कंट्रीब्यूट समथिंग टू आवर सोसाइटी, टू द पीपल एंड एवरीवन एल्स. सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. एंड दिस द चैनल नेम इज फिजिक्स गॉड्स. एंड हु आर द गॉड्स? यू पीपल आर द गॉड. आप लोग भगवान हैं. मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो क्या एक सिंपल सा इंसान हूँ. आई एम अ सिंपल पर्सन हु इज गिविंग यू दिस क्वालिटी कंटेंट. आई कैन गिव यू दैट मच. आई हैव नो मनी, आई हैव नो नथिंग टू शो लाइक सो मैनी क्रिएटिविटी और लाइक वी नीड टू, बट माई फोकस इज द ऑन द कंटेंट, बिकॉज दैट कंटेंट कैन हेल्प यू टू इन वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम. अदरवाइज यहाँ मैं कुछ और सजावट वैसा कर दूँ, दैट इज नॉट हेल्पिंग यू, बिकॉज दिस थिंग वॉट एवर आई एम टीचिंग यू विल हेल्प यू इन द वेरियस जेई मेन्स क्वेश्चंस, आईआईटी जेई, नीट, मेडिकल एंड एकेडमिक ऑल्सो. यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेन योर प्रोफेसर और टीचर वॉट एवर एल्स टीच यू. वेन यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फ्रॉम हेयर, यू कैन इमेजिन, यू कैन कंसेप्चुलाइज इन अ बेटर वे. सो वंस अगेन अ वेरी वेरी थैंक यू to all of you, all my viewers, all my subscribers and all my supportive teams and whosoever is supporting us, please do support us. We are in the need of yours, clear. So keep supporting, keep helping, keep growing others, keep enlightening others. You should have a growth mindset. So once again a very very thank you to everyone. Now I'm finishing my lecture. Now we will move to the next lecture in the tomorrow.